विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मध्य नागपुर में कुछ पुरानी बस्तियां हैं जहां रोड और उद्यान नहीं है और ऐसी जगहों पर परिवर्तन करना कठिन है, लेकिन महापौर दयाशंकर तिवारी के प्रयासों से बजेरिया परिसर में बड़ा रोड और वंदे मातरम उद्यान का निर्माण किया जा रहा है। इससे इस परिसर को आधुनिक स्वरूप प्राप्त होगा। उनके हाथों बजेरिया रोड का भूमि पूजन किया गया। इस दौरान मेयर दयाशंकर तिवारी, सांसद विकास महात्मे, विधायक गिरीश व्यास, विकास कुम्भारे, सत्ता पक्ष नेता अविनाश ठाकरे, मनपा विरोधी पक्ष नेता तानाजी वनवे, राजेंद्र सोन कुसरे, संजय महाजन, श्रद्धा पाठक, सुनील अग्रवाल, संजय बाल पांडे, सरला नायक, विद्या कानहेरे, अर्चना ढेनकर, सहायक आयुक्त अशोक पाटिल, कार्यकारी अभियंता धनंजय मेणुलकर उपस्थित थे। फडणवीस ने कहा कि प्रत्येक विकास कार्य को मिशन के रूप में लेंगे तो वह काम जल्द पूरा होता है। प्रहलाद राय अग्रवाल मार्ग से राजवाड़ा पैलेस तक उक्त रोड का निर्माण कार्य 5 करोड़ की निधि से होगा। नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से बजरिया में एक नए रोड का आज हमने भूमि पूजन किया है। पहले एक रोड रेलवे के ईस्ट साइड से स्टेशन से यहाँ आधी दूरी तक आता था और वो रास्ता उत्तर दिशा में टर्न होने के बाद में फिर पूरब की दिशा में जाता था और यह रास्ता बहुत छोटा होने के कारण वाहतुकों के लिए बहुत बड़ी अड़चन होती थी, ट्रैफिक कंजेक्शन होता था और डीपी रिजर्वेशन में वो 50 फीट का रास्ता है, वो रास्ता अगर पूरा 50 फीट का हो जाए तो 164 घर टूटेंगे, इस प्रकार की स्थितियाँ थी। इन सारी स्थितियों को देखते समय 2004 में मैं यहाँ नगर सेवक था, 2002 से 2007 उस समय महाराष्ट्र सरकार ने वस्त्र उद्योग महामंडल की इस जमीन को बेचने का निर्णय लिया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।